प्यारे बच्चों, आज हम सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 8 करेंगे। कक्षा हमारी है 8वीं। सभी बच्चे अपना नाम फिल करें, अपने कक्षा अध्यापक का नाम फिल कर लें। संविधान बनने की प्रक्रिया और संविधान के मुख्य लक्षण के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। संविधान बनने की प्रक्रिया के बारे में जानते हैं। संविधान निर्माण के विचार स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान ही राष्ट्रवादियों में आने लगे थे कि स्वतंत्र भारत किस तरह का होना चाहिए। स्वतंत्र भारत में प्रत्येक नागरिक को समान अवसर होगा और सभी को सरकार में हिस्सेदारी का बराबर अधिकार होगा। परंतु इतनी विविधता वाले इस देश में किसी एक आदमी के बस का ये काम नहीं था। इस काम को पूरा करने में लगभग 300 लोगों ने योगदान दिया, जो कि 1946 में गठित की गई संविधान सभा के सदस्य थे। संविधान सभा की बैठकें लगभग अगले 3 साल तक होती रही, तब जाकर भारत का संविधान बना। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संविधान सभा की इन सदस्यों के सामने एक बड़ी जिम्मेदारी थी। हमारे देश में कई समुदाय थे, उनकी न तो भाषा एक थी, न धर्म एक था और न ही एक जैसी संस्कृति थी। वैसे भी जब ये संविधान लिखा जा रहा था, उस समय हमारे देश भारी उथल पुथल से गुजर रहा था, लेकिन इन सदस्यों ने अपने दायित्व को निष्ठा से निभाते हुए एक ऐसा दस्तावेज तैयार कर दिखाया जिसमें राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए रखने के साथ साथ विविधता के प्रति हमारा गहरा सम्मान दिखाई देता है। तो बच्चों, संविधान के मुख्य लक्षण और आयाम के बारे में जानकारी लेते हैं। संघवाद क्या होता है? इसका मतलब हमारे देश में शासन चलाने के लिए विभिन्न स्तरों पर अलग अलग प्रकार की सरकारों का होना संघवाद कहलाता है। हमारे देश में 3 स्तर पर सरकार काम करती है। प्रथम स्तर केंद्र स्तर पर, जिसे केंद्रीय सरकार कहते हैं। द्वितीय स्तर पर राज्य स्तर पर, जिसे राज्य सरकार कहते हैं। और तीसरी व्यवस्था जो थी वो स्थानीय व्यवस्था थी बच्चों, जिसे पंचायती राज व्यवस्था अथवा नगर निगम प्रशासन कहा जाता है। इसकी वजह यह है कि भारत जैसे विशाल देश में सभी राज्यों को कई मुद्दों पर फैसले लेने का स्वायत्त अधिकार हो सके। इन मुद्दों की स्पष्टता के लिए संविधान में कुछ सूचियां दी गई हैं बच्चों। कुछ एक एक्टिविटी दी गई है, अपने आसपास के बैंक, स्कूल, डिस्पेंसरी, अस्पताल, पुलिस और अपने क्षेत्र के सांसद और विधायक, नगर पार्षद का नाम लिखिए और पता लगाइए कि ये किस प्रकार की सरकार केंद्र, राज्य और अन्य के अंतर्गत काम करते हैं। तो बच्चों, आज के क्वेश्चन देखते हैं। तो आज के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। संविधान का निर्माण करते समय संविधान सभा के सामने कौन कौन सी चुनौतियां थी? तो चुनौतियां देखते बच्चों, चुनौतियां ये थी। इसमें देखिए, इसी में आपका आंसर मिल जाएगा। उनकी हमारे देश में कई समुदाय थे, उनकी न तो भाषा एक थी, न एक धर्म था और न ही एक जैसी संस्कृति थी। तो ये वाली चुनौती थी उनके सामने। फिर भी और एक और चुनौती थी, जब ये संविधान लिखा जा रहा था उस समय हमारे देश में भारी उथल पुथल थी और हमारा देश काफ़ी उथल पुथल से गुजर रहा था। तो इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे, हमारे देश में कई समुदाय थे और उथल पुथल से गुजर रहा था। तो ये उस समय समस्याएं थी बच्चों। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, संघवाद से आप क्या समझते हैं? और संघवाद का यहाँ इसी में दिया हुआ वर्कशीट में ही, तो इसी से आप इसका आंसर उठा सकते हैं। ये संघवाद है, संघवाद की परिभाषा, ये जो ब्लैक अक्षरों में दी गई, ये संघवाद की परिभाषा गाढ़े अक्षरों में दी हुई है। हमारे देश में कितने स्तर की शासन व्यवस्थाएं हैं, इन्हें लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3। तो बच्चों, इसका आंसर ये है, 3 स्तर पर कार्य करती है हमारे देश में। हमारे देश में 3 स्तरों पर सरकार काम करती है। प्रथम केंद्र पर, द्वितीय राज्य पर और तीसरी स्थानीय स्वशासन पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, हमारे देश
के लिए संघवाद की व्यवस्था महत्वपूर्ण क्यों है लिखिए। संघवाद जरूरी क्यों है? संघवाद इसलिए जरूरी है बच्चों क्योंकि केंद्र स्तर पर, केंद्र जो सरकार है वो केंद्र पर स्तर पर ही कार्य कर पाएगी, वो गांव में नगरों में छोटे स्तर पर काम नहीं कर सकती, इसलिए वहां पर तक पहुंचना एक मुश्किल कार्य है। इसलिए वहां की व्यवस्था किसको दे दी गई? पंचायती राज और नगर निगम को दे दी गई। स्टेट वाली जो सरकार है वो स्टेट का काम संभालेगी, इससे काम बट जाएगा और अच्छा काम होगा, तो इसलिए ये ज़रूरी है। छोटे स्तर पर छोटी सरकार बनाई गई और बड़े स्तर पर बड़ी सरकार द्वारा कार्य किया गया, इसलिए ये हमारे देश में संघवाद की बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई है।